रांची स्थित टीआरआई सभागार में दो दिवसीय वन अधिकार अधिनियम 2006 विषय पर एक सेमिनार का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। कार्यक्रम में अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखते हुए विकास की हिमायत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें प्रकृति और मानव के बीच के जुड़ाव को समझना होगा। भौतिकवादी आधुनिकता और विकास की होड़ में प्रकृति की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। आज शायद हम देख रहे हैं इस भौतिकवादी युग में लोगों के सोचने के तरीके में कई बदलाव आ रहे हैं, तो ये प्राकृतिक और मनुष्य का जो जुड़ाव है उस जुड़ाव को समझना पड़ेगा हमें। हमें चांद में भी जाना है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम जहां हैं उसको नष्ट कर दें। वहीं कार्यक्रम के दौरान सीएम का कला प्रेम भी सामने आया और उनके भावुक मन की कोमलता भी जाहिर हुई, जब उन्होंने अपने घर में काम कर चुके एक लड़के से जुड़ी अतीत की एक घटना का जिक्र किया। आड्रे हाउस और मेरा घर आमने सामने है, तो एक लड़का हमसे मिला और 36 वर्ष का, और उसने मुझे एक बहुत खूबसूरत अपना वो मेटल का ये बना करके दिया। मुझे थोड़ा देर समझ में नहीं आया, भाई इतना उत्साहित होकर के उस बच्चे ने दिया मुझे। जब उसने दिया उसके बाद उन्होंने कहा कि भैया आप मुझे पहचानते हो? थोड़ी देर के लिए मैं सोचा, फिर उन्होंने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और जब आप लोग दिल्ली में रहा करते थे तो आपके यहाँ हम खाना बनाया करते थे, और इतना खूबसूरत अभी भी हमारे वो जो उस बच्चे ने दिया है कलाकृति का जो ये है। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल जंगल जमीन की आवाज हमेशा बुलंद करते रहे हैं, इसलिए वे हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं कि समय के हिसाब से आधुनिक बदलाव और विकास जरूर हो, मगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाकर कदापि नहीं।